अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट आज क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज है 2.4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो 2.4 का लास्ट क्वेश्चन रह गया था अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में ये आ जाता है 4 मार्क्स का। आपके एनुअल सिलेबस में चूंकि 2.4 एक्सरसाइज इंक्लूडेड है इसलिए इस एक्सरसाइज की अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करें ये वैल्यू दिया 2 की पावर दिया 1/3 इनटू 27 की पावर 1/3 60 की पावर है 1/2 180 की पावर 1/2 4 की पावर है -1/3 9 की पावर 1/4। हमने इसे सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 एज इट 1/3 मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट साइन लगाएंगे। तो डॉट साइन में ये होता है कि कंफ्यूज नहीं होती क्योंकि अक्सर हमारा एक्स और मल्टीप्लाई का साइन सेम होता है, ठीक है। तो 27 को के हम इसको लेते हैं 27 टू 9 सा सॉरी 3 9 सा 27 3 3 सा 9 और 3 1 यानी 3 की थर्ड पावर से 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 आता है बाय 1/3 है। मल्टीप्लाई की जगह डॉट साइन डालेंगे ये मल्टीप्लाई का सिंबल ही होता है। 60 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं इवन नंबर है 2 पर डिवाइड करेंगे 2 3 सा 6 200 215 सा 35 सा और 51 सा। तो यहाँ मेरे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 60 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होल पावर 1/2 180 है। 180 को हम डिवाइड करते हैं 182 इवन नंबर है 2 पे 2 9 सा 18 200 2 4 सा 8 1 कैरी आ जाएगा 2 5 सा ये अब इवन नंबर नहीं है इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 3 1 सा 3 5 सा 15 3 5 सा और 5 1 सा। तो 180 क्या पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होल पावर 1/2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर आ जाएगा -1/3। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाय पावर है 1/2। डियर स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 2 पावर ठीक है 2 की पावर ऐसे हम यहां पर लगाएंगे 2 पावर आ जाएगी 1/3 ये बच्चों दोनों 3 3 कैंसिल हो जाएंगे 3 की पावर क्या आ जाएगी 1 ये 2 2 टाइम्स है तो 2 को 2 टाइम्स लेके पावर स्प्लिट कर देंगे सबको दे देंगे डिवाइड होल पावर है अलग अलग कर दें 2 2 टाइम्स आया तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 3 1 टाइम आया तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 5 की पावर आ जाएगी 1/2। इसको पावर भी बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो हम चूंकि पावर ज़रा ज़्यादा इजी है इसलिए पावर का वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ 2 2 टाइम्स आया हुआ तो 2 2 टाइम्स लिखे होल पावर आ जाएगी बाय होल पावर क्या है 1/2 3 2 टाइम्स आया हुआ होल पावर आ जाएगी 1/2 5 1 टाइम है 1/2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 और दोनों पावर्स हैं 2 को जब हम -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा -2/3 और ये 2 को कैंसिल हो गया 3 की पावर आ जाएगी 1। अब हमारे पास चूंकि आप जानते हैं कि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इसे सॉल्व करना है तो तमाम वैल्यूज को अब यहाँ देखें ये 2 2 से कैंसिल हो गया ये 2 से कैंसिल हो गया तो जो सिंप्लीफाई फॉर्म बनती है वो हम यहाँ बना लेंगे। यहाँ 2 की पावर आ जाएगी 1/3 3 की पावर है 1 यहाँ 2 की पावर 1 बन जाएगी 3 की पावर है 1/2 5 की पावर है 1/2 नीचे आ जाएगा 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1/2 2 की पावर आ जाएगी -2/3 और 3 की पावर 1। तो ऐसे हमने बच्चों हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है
नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, इन वैल्यूज को यहाँ ऊपर लिखेंगे एक लाइन में, ये 2 की पावर 1/3 सिमिलर वैल्यू कटी का लेंगे, 2 की पावर 1, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 है। अब ये 2 की जो पावर 1 है इसको हम जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो पावर चूंकि प्लस 1 है तो अब यहाँ ऊपर जाके क्या आ जाएगी, इसकी पावर माइनस 1, यहाँ 2 की पावर है -2/3, ऊपर जाके 2 की पावर +2/3 आ जाएगी। सिमिलरली अब हमने हमारे पास 2 के जो वैल्यूज थी वो 1, 2, 3, 4 थी, सारे 2 इकट्ठे करके रख लीजिए। अब 3 लिखते हैं, 3 को रिटर्न्स, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर है 3 की पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 1 है, जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो ये पावर साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1 है, जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो बच्चों ये थोड़ी सी एक मिस्टेक है, यहाँ 4 आता है भाई, ये इससे कैंसिल होने के बाद जब दोनों आपस में कैंसिल होते हैं तो ये 1/2 आएगा, 1/2, ये एक छोटी सी मिस्टेक है, रिटर्न मिस्टेक, इसको क्या कर लिया, यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये 3 की पावर जब ऊपर जाएगी तो 3 की पावर आ जाएगी -1/2, 5 है आपके पास 1/2, 5 है 1/2, और नेक्स्ट जो 5 है नीचे वाला इसकी पावर 1/2 ऊपर जाके -1/2, यहाँ बच्चों देखते हैं बेस सेम है, 2-4 टाइम्स आया है, बेस सेम है, पावर इकट्ठी कर लेंगे 1/3 +1 -1 +2/3, सिमिलरली 3 की वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे 1 +1/2 -1 -1/2, 5 की बेस सेम है पावर इकट्ठी कर लेंगे, तो यहाँ हम डियर स्टूडेंट देखते हैं ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, +1/2 -1/2 +1/2 ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास 2 की वैल्यू आ जाएगी, पावर आ जाएगी 1/3 +2/3, यहाँ 3 की पावर क्या बची है ऊपर 0, यानी तमाम वैल्यू चूँकि कैंसिल हो जाती हैं तो हमारे पास पावर में भी क्या बचेगा 0 बचेगा। नेक्स्ट 5 की जो वैल्यू है वो भी 0 बचेगी, यहाँ हम पावर का एलसीएम ले लेंगे, पावर का एलसीएम 3 है ऊपर 1 + 2, ये 3 किसी भी नंबर की जब पावर या एक्सपोनेंट उसका 0 तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ 2 की पावर आ जाएगी 3/3, 1 1 से मल्टीप्लाई करके 1 1 1 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट रहेगी, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी 1 विच इज इक्वल टू 2, तो ऐसे हमारे पास बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें हमने इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे सबको, 2 को एज ए 27 को 3 का क्यूब बना लिया, 60 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, सिमिलरली 180 को 2 3 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे 9 का 3 का स्क्वायर, दोनों सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 टाइम्स आया 2 टाइम्स लिख लेंगे, 3 2 टाइम्स आया तो 2 टाइम्स, तो 3 जो है बच्चो 3 टाइम्स आ तो 3 कैंसिल हो गए हमारे पास 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 टाइम्स आया, पावर भी साथ साथ स्प्लिट करते हैं, ये होल पावर दी 1/2, सब अलग अलग पावर देते हैं, 3 की पावर 1/2 अलग दे दी, 5 की पावर 1/2 अलग दे दी, सिमिलरली 2 जब दोनों पावर्स हैं मल्टीप्लाई होंगी तो 2 को जब -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो -2/3, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, पावर आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, सिमिलरली बच्चों की प्रोसेस किया है कैंसिलेशन करने के बाद नीचे वाली तमाम टर्म जब ऊपर लेके गए तो उनका जो एक्सपोनेंट साइन है या पावर साइन वो चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, फिर हमने ये किया कि जो सिमिलर टर्म्स थे सिमिलर वैल्यूज उनको इकट्ठा कर लिया, जैसे 2 वाली टर्म थे वो सारों को इकट्ठा कर लिया, 3 वालों को इकट्ठा करके लीजिए मल्टीप्लाई कर लिया और 5 वालों, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ भी बेस सेम है पावर ऐड होगी, बेस सेम है पावर, उनको सिंप्लीफाई किया, कुछ वैल्यू कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी नहीं है तो मेरे पास वैल्यू किसी भी पावर अगर 0 होती है तो 1 के इक्वल, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3/3 कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ आंसर मेरे पास 2 आ गया,
एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये पावर ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो पावर में चेंज है, जैसे मुझसे भी मिस्टेक हुई है, तो इसमें हर स्टूडेंट से भी हो सकती है कि लिखते हुए प्लस की जगह माइनस लिखा जाएगा, माइनस की जगह प्लस, तो थोड़ा सा ध्यान करनी है हमने। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हम तरफ जाते हैं, सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है आपका, ये सेकेंड पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसकी जैसे एक एग्जांपल में भी रिव्यू एक्सरसाइज में भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन। रबर साथ बना लिया गया ताकि आपको काम करने में साइड पे ना राइट साइड पे पेज के आप देख लीजिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, सेकंड क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट है। 216 होल पावर 2/3, 25 और पावर 1/2, ये 0.04, ये अक्सर जीरो नहीं लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये पॉइंट में समझ नहीं आता, तो पॉइंट भी बेहतर सॉरी जीरो लगा लेंगे बोर्ड पर। एक तो क्वेश्चन को चेक कर लें, पावर की वैल्यू जीरो नहीं है, 216 2/3, 25 की पावर 1/2, 0.04 की पावर -1/2। तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। 216 को 6/3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास आता है 216। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 = 25 आता है। 0.04 इसको पॉइंट को फिनिश करेंगे, इसको हम पॉइंट को खत्म करेंगे, 4/100 आ जाएगा, पॉइंट जो 1 आ जाएगा, 2 डिजिट्स हैं तो उनकी जगह 0 0 आएगा, होल पावर आएगा -1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, 6 पावर है, 6 की जो होल पावर आ जाएगी 6 का क्यूब जिसे कहते हैं 2/3, 5 स्केयर आ जाएगा, बाहर है 1/2। नीचे अगर हम देखते हैं बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 वन था और 4 25 में, तो ये 1/25 आ जाएगा, बाहर है -1/2, बाहर है -4 वन था, 4 के टेबल पे हम इसे कैंसिल करेंगे, 4 वन था 4 और 4 टू था 8, टू इधर कैरी आएगा, 24 फाइव था, तो 1/25 आएगा। तो बच्चों इसके स्टेप्स आपने देखने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पर चलते हैं, रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6/3 थी, 6 क्यूब था, 3/3 से कैंसिल हो गया, 6 का मेरे पास आ गया स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, 5/1 आ जाएगी 1, नीचे आ जाएगा 1/25। तो बच्चों अगर आप 15 और हम रेसी प्रॉपर ले लें, 1/25 को जब हम 25 लिखते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी चूंकि ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों, +1/2। यहाँ ये बात आपको क्लियर होगी, इस चीज़ को आपने खास ख्याल रखना है बच्चों, अक्सर मिस्टेक इसी का भी ज्यादा होती है। जब हम 1/25 को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, नीचे टर्न पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर को किसी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है, क्योंकि हमने माइनस से हमने प्लस बनाना है। ऊपर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 5/1, नीचे बच्चों 5 का स्क्वायर बाय पावर है 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, नीचे 5/1 क्या है 1 है। बच्चों इसको उठा के नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -1। हमने क्यों लिखा है, 5 वाली टर्म हमने इकट्ठी कर ली, तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आएगी 6 का स्क्वायर और नीचे चुके माइनस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो मेरे पास वैल्यू आएगा 6 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 5/0। अब 5 की जो पावर 0 है, 5/0 जो है वो 1 की इक्वल है, 5/0 1, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6 का स्क्वायर और नीचे 1, 6 का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो 6 आ गई। तो अगेन बच्चों मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकेंड पार्ट है। 216
पावर है 2/3, 25 की पावर है 1/2, डिनोमिनेटर में 0.04 होल पावर -1/2। 216 के प्राइम फैक्टर अगर करते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 603 पे मल्टीप्लाई करें तो ये 216, ये 3 टाइम्स इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि पावर 3 आएगी तो ये डिनोमिनेटर में 3 है तो कैंसिल हो जाएगा। आगे 5 है, 5 टू टाइम मल्टीप्लाई किया और 0.04 डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जो कि 4/100 है। जब 4/100 को हम कैंसिलेशन करते हैं तो 1/25 आ जाएगा। 6 की पावर 3 है, 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 2 है, 2 को कैंसिल हो गया, यहाँ 6 के 5 पावर 1 रहेगी। ये 1/225 है, जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर का साइन पॉजिटिव आता है। तो बच्चों 5 को स्केयर लिखेंगे, 5 को ऐसे लिख सकते 5 पावर 2 लिखेंगे जो कि 25 के इक्वल होता है, 2 कैंसिल हो गया तो 5 पावर 1 आ गया। ये जो ऊपर वाला 5 था 5 पावर 1, जब उसको उठा के न्यूमरेटर में लिखे डिनोमिनेटर में लिखेंगे साइन चेंज हो गया, बेस सेम है, पावर घटेगी, 1-1 0 होता है और 5 की पावर 0 क्या होता है 1, 6 का स्क्वायर रह गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो मेरे पास आंसर आ गया। तो ऐसे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया। इट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पेपर में बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। हमने इसके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कोई स्टेप हमें छोड़ना नहीं, प्लस माइनस का खास तौर पर ख्याल रखना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं हम, थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट है 5 to power 3 डिवाइडेड बाय 5² होल पावर 3। जो थर्ड पार्ट है यहां आपने समझना है, दोनों टर्म में दिखने में तो सेम दिख रही हैं लेकिन ब्रैकेट वजह से चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? ये 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। जब ब्रैकेट नहीं लगी होगी तो आपने ये चीज को याद रखना है कि 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। तो हम 2 का पावर जब 3 लेते हैं या 2 का 3 पावर लेते हैं, 2 की पावर 3 जो होती है वो पीछे से 2 2 4, 4 2 8, यहाँ power 8 है। जबकि बच्चों यहाँ बाहर के अंदर भी पावर है, बाहर भी पावर, जब ब्रैकेट लगी भी होगी तो फिर हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 2 का क्यूब लिया, यहाँ 2 का 8 आ गया, 2 3 6 आ गया। ये 5 पावर 8 है, ये डिवाइड होकर नीचे आ जाएगा 5 पावर 6,